हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ FCI न्यू वैकेंसी 2022 के बारे में। तो सिंपली गाइस, जो वैकेंसी रिलीज होकर आई है आज के डेट में, तो सिंपली क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी का कितना डिमांड किया है और बट इसमें कितनी टोटल पोस्ट निकल के आई है, कौन कौन से पोस्ट है, तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या प्रोसेस है। तो सिंपली मैं अपनी वेबसाइट पर आ चुका हूँ, देख पा रहे हैं गाइस यहाँ पर जो FCI न्यू वैकेंसी जो है 2022, यहाँ पे हम इसको आपको मैं टिक के थ्रू आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देख रहे हैं जो वैकेंसी है FCI न्यू वैकेंसी 2022, यहाँ पे फिर उसके बाद हम आते हैं मेन प्रोसेसिंग में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं FCI न्यू भर्ती नोटिफिकेशंस 2022, जो इसमें पोस्ट निकल के आई है 4710 पोस्ट है, 4710 पोस्ट है, इसमें वेरियस पोस्ट निकल के आई। इसमें जो एलिजिबिलिटी अगर मैं सिंपली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो सिंपली देखने को मिल जाएगा, आपका 8वीं 12वीं और इंटरमीडिएट का जो है क्वालिफिकेशन डिमांड किया है, इसको आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और सिंपली गाइस में जो है अपने नोटिफिकेशन में जो है सारा चीज़ दे दूंगा, वहाँ से आप सिंपली जो है इसको पढ़ के आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI न्यू वैकेंसी 2022 न्यू अपडेट, यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो गाइस स्टार्ट होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा 3/7/2022 को जो है एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा, जो इसका जो एप्लीकेशन जो लास्टिंग डेट होगा आप 2/8/2022 को इसका लास्टिंग डेट होगा जो है। एक गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग जो है अच्छी तरह से आप जो है अपने को प्रिपेयर बनाएं और बट आप जो है अच्छी तरह से रीडिंग करें और फिर उसके बाद अपना जो है अपना स्ट्रेटजी बना के आप क्वालिफिकेशन जो है करते रहें, आप लोग मिस ना करें। और गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें जो एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो एडमिट कार्ड जो है जल्द ही जो है एग्ज़ाम का जब आप फॉर्म अफिल करेंगे तो 3 से 4 महीने बाद आपका जो है एडमिट कार्ड हो और एग्ज़ाम डेट आपको जो है जल्द से नोटिफाइड कर दिया जाता है। फिर इसमें जो होता है एप्लीकेशन चार्ज की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जो है एक भी बिना पैसे दिए हुए ये फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जो है देख पा रहे हैं यहाँ पर जो डिपॉजिट भी जो है आप ऑनलाइन पेमेंटिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग थ्रू आप यहाँ से आप जो है ऑनलाइन पेमेंटिंग कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो है वैकेंसी पोर्टफोलियो 4710 वैकेंसी है, 4710 वैकेंसी है। यहाँ पे जो होता है ग्रेड जो है ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 में सिंपली जो है वॉचमैन के लिए आता है 4710 वैकेंसी है, 8, 10, 2000 जो क्वालिफिकेशन जो डिमांड किया है 8th और 10th और 12th। यहाँ पे फिर हम एज क्राइटेरिया बात करूँ, यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया सिंपली देखने को मिल जाएगा 18 से 25 साल, अगर आपका एज 18 से 25 बीच में तो सिंपली जॉब को आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन डिमांड यहाँ किया है अगर हाई स्कूल और इंटर किया है आप जो अगर किए हैं क्वालिफिकेशन आपके पास है तो इस जॉब को सिंपली ज़रूर अप्लाई करें। ये जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी रिलीज हो गई है। यहाँ पे अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो रिटर्न टेस्ट होगा, PET होता है, DV होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। मैं गाइस आप लोगों से यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले आप अच्छी तरह से नोटिफिकेशन रीडिंग करके ही तभी आप जो है जॉब को अप्लाई करें, यही सारे जो है प्रोसेस है। मैं गाइस अपना डिस्क्रिप्शन में जो है अप्लाई लिंक दे दूंगा, वहाँ से सिंपली जाके इस जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर गाइस फॉर्म फिल करने में आपको अगर कोई भी इशू आए तो मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू जो पूछ भी सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो सिंपली गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट और नए टिप्स के साथ, नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।